भारतीय सेवा समाज ने दिया धरना। इको गार्डन धरना स्थल पर भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शांतिपूर्ण रूप से धरना दिया गया। अध्यक्ष थापा महामंत्री जीवेश उपाध्याय ने अपने संयुक्त विज्ञप्ति में सरकार से मांग किया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के पूर्व ही प्रदेशवासी 10 लाख भारतीय गोरखा समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची में सम्मिलित किए जाने से संबंधित आदेश जारी कर देश की आजादी में मर मिटने वाले गोरखा कौम को न्याय लाने की कृपा करें, जिससे गोरखा समुदाय को संतुष्ट किया जा सके। शांतिपूर्ण धरना में प्रदेश में विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। डीपी थापा दुर्गेश, जिला अध्यक्ष उमा थापा, जिला सचिव शेर बहादुर राणा, रवि थापा, विश्वकर्म श्रीमती बबली सिंह, सोनभद्र रेशम बहादुर, तेलीबाग से मनोज थापा, राजेश थापा, कविता थापा, चंदन सिंह थापा, सीतापुर से जंग बहादुर छेत्री, विष्णुवीर थापा, बरेली सीबी गुरुंग रन बहादुर, गुरुंग खेम बहादुर थापा, बसंत बहादुर आदि हजारों की संख्या में गोरखा समाज उपस्थित रहा। भारत रक्षा दल ट्रस्ट के जगदीश राय ने भी गोरखा संगठन का अपना समर्थन दिया। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। गोरखा, मैं भूतपूर्व सैनिक हरोज कुमार राणा, जिला अध्यक्ष गोरखा समाज और जिला अध्यक्ष भारतीय सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से, मैं नौतरा महाराज से आया हूँ। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग गोरखा समुदाय समाज उत्तर प्रदेश के को गार्डन धरना प्रदर्शन किया है और इतिहास गवाह है कि गोरखा समुदाय सदैव भारत माता की रक्षा के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहाते हुए आ रहे हैं और भारत माता की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाते रहेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कारगिल वार तक और आज तक हमारे गोरखा समुदाय ने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दिया, परंतु भारत सरकार हमारे भारत में 12 राज्य में ओबीसी का दर्जा है, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश में ही हम गोरखा समुदाय के उत्तर ओबीसी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग देश के लिए हमेशा जान तक कुर्बान करते आ रहे हैं। चाइना हो या पाकिस्तान, सबको हिलाते आ रहे हैं, परंतु सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे, क्योंकि हम गरीब असहाय तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, सिर्फ फौज के अलावा हमारा कोई और साधन नहीं है, किसी सरकारी विभाग में सर्विस नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आज धरना प्रदर्शन करके सरकार को जगाए, सरकार से हम ये मांग करें कि हमको भी जिस तरह से 12 राज्य में पिछड़ी जाति का दर्जा प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश खंडित होकर उत्तराखंड भी आज उसमें भी ओबीसी दर्जा प्राप्त हुआ है, परंतु हम उत्तर प्रदेश में 10 लाख भारतीय गोरखा होने के बावजूद हम गोरखाओं को आज तक किसी ये शासन प्रशासन ने न ध्यान दिया है, न कोई किसी शासन प्रशासन ने हम लोग को अमृत कोई देखा है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज से अनुरोध करते हैं कि हम गोरखाओं को भी ध्यान दें, हम गोरखाओं की भी आगे लाए ताकि हमको भी ओबीसी का दर्जा प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय गोरखा। आज आपका प्रदर्शन चल रहा है, क्या विषय है, क्या मांगे आपकी बताइए। ये विषय है, विगत काफी 12 वर्षों से हमारे प्रदेशवासी 10 लाख भारतीय गोरखाओं को उनका ओबीसी की मांग के लेकर हम लोग विगत काफी दिनों से आंदोलित है और प्रयासरत है, और इस ओबीसी के संबंध में हम सब ओबीसी के अध्यक्ष, ओबीसी के मंत्री, पिशावर कल्याण मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी कई बार बैठकें करके और उनसे उनके कक्ष में हम लोगों ने सब भेंट वार्ता करके इस पक्ष को रखा। उन्होंने हर समय हम लोगों को आश्वासन ही देता रहा और आज तक भी हम लोगों को ओबीसी का डिमांड नहीं पूरा हो सका। हमारा पड़ोस में उत्तराखंड हमसे बाद में जो राज्य बना हुआ उसमें 2004 में वहाँ के गोरखा समुदाय को ओबीसी प्राप्त हो चुका, परंतु देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जिसमें 10 लाख भारतीय गोरखा यहाँ निवास करते हैं उनको ओबीसी नहीं मिला है। हमारे कौम एकदम पिछड़ा हुआ है, हमारे कौम जो अल्प आय वर्ग के कौम है, अल्पसंख्यक है, इस अल्पसंख्यक कौम को राज्य पिछड़ा वर्ग जो उनका उद्देश्य है कि राज्य में पिछड़े हुए संवर्ग को ऊपर उठाने का उनका जो लक्ष्य है प्रदेश सरकार का, उस लक्ष्य के अंतर्गत हम लोग को जो उच्च उठाने का जो प्रयास होना चाहिए ओबीसी के माध्यम से वो नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग ने ये ओबीसी का डिमांड किया है और इसको 10 लाख भारतीय गोरखा समुदाय को ओबीसी शीघ्र से शीघ्र दे। आगामी 2022 के चुनाव से पहले हम सभी को
ये ओबीसी दे, ये हमारा मांग है, ये हमारा डिमांड है। और हमारा जो गोरखा समुदाय है ये एकदम देश के राष्ट्र हित में शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात रखते हुए आ रहे हैं। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आज तक हम लोग ने एक बार 2016 में किया था, उसके बाद हम लोग ने नहीं किया, इसीलिए कि हम लोग ये साधारण पूर्ण तरीका से हम लोग को ये ओबीसी मिल जाएगा, परंतु इतना प्रतीक्षा करने के बाद भी हम लोग को आज तक ओबीसी नहीं मिल पाए, इसीलिए मजबूर होकर हम लोगों ने आज ध्यान सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये आज धरने का कार्यक्रम किया गया है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख भारतीय गोरखाओं का आवाज को बुलंद करते हुए उनका आवाज को विशेष ध्यान में रखते हुए अवश्य ही चुनाव के पहले ओबीसी का आदेश जारी करने की कृपा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इको गार्डन, स्थानीय इको गार्डन में हमारे समस्त गोरखा संगठन, उत्तर प्रदेश में जितना भी संगठन है, समस्त गोरखा संगठन के सहमति के आधार पर हम सभी ने ये धरना का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वाराणसी से है, आगरा से है और कानपुर से है, लखनऊ से है, समस्त सुनौली नौतनवा यानी कि प्रदेश के समस्त जनपदों का गोरखा समुदाय यहाँ उपस्थित है अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ। अगर इस प्रकार से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी ओबीसी के धरना के लिए मांग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं दे रहे, इसलिए प्रदेश के 10 लाख भारतीय गोरखाओं में काफी असंतुष्ट की भावना है। इस आदेश पारित यदि करे तो प्रदेश के 10 लाख भारतीय गोरखा हम लोग एकदम संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए सरकार से हमारा ये डिमांड है कि प्रदेशवासी 10 लाख भारतीय गोरखाओं को ओबीसी की सूची में सम्मिलित करने के लिए आदेश पारित करें। जय हिंद, जय भारत। मैं बीबी थापा, अध्यक्ष भारतीय गोरखा सेवा समाज, उत्तर प्रदेश लखनऊ। हमारे साथ में समस्त भारतीय गोरखा परिसंघ का भी यहाँ भागीदारी है, हमारे साथ में भारत रक्षा दल ट्रस्ट के भी कार्यकर्ता संयुक्त रूप में पधार चुके हैं और उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विभिन्न जनपदों से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, उस प्रतिनिधियों के मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ओबीसी के मांगों को लेकर हम सबको जो समर्थन दिया गया है मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और समस्त उपस्थित जन, हमारे माँ बहने, दीदी बहने, समस्त परिवार लोग आके यहाँ आज धरना में भाग लिए हैं, मैं उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमको जो मिलना है उस ओबीसी से हम सभी को लाभान्वित होना है और सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम भी इसमें भागीदारी होकर ओबीसी के धरना को सफल बनाएं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे समस्त परिवार पूरा आए हुए हैं, चाहे हमारे नीलमत्था के हो, चाहे रेस कोर्स के हो, चाहे कल्याणपुर, राजाजीपुर, समस्त ठाकुरगंज, समस्त जनपद लखनऊ के समस्त हमारे गोरखा परिवार यहाँ आज मौजूद है, प्रदेश के भी समस्त विभिन्न संगठन के हमारे गोरखा परिवार मौजूद है इस धरना को सफल बनाने के लिए और सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए।